नेक्रोसी, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, तो ये भी दो प्रकार की लेप्रोसी होती है, पाउसी बैसिलरी लेप्रोसी, मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। व्हाट इज द पाउसी बैसिलरी लेप्रोसी? आर दोज हु स्किन स्मियर नेगेटिव एंड शो नो एविडेंस ऑफ मोर एडवांस डिजीज इन लिपोलिप्स। यानी एक नॉर्मल लेवल पे जब स्किन की शुरुआत होती है लेप्रोसी की, बहुत सीवियर नहीं होता, तो उसे हम स्किन तक केवल सीमित रहता है, उसे पाउसी कहते हैं। और जब थोड़ा सा सीवियर हो जाता है और बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगती है सीरियस केस पे, तो उसे हम मल्टी बैसिलरी कहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो चार कैटेगरी की ड्रग हम देते हैं, बहुत ही आसान। सल्फोनामाइड कैटेगरी का डैप्सोन देते हैं, ये आपने वहां पर पढ़ा था। फेनाजिन डेरिवेटिव का हम क्लोफाजिमिन देते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर मिलता है, दो ड्रग इस्तेमाल करते हैं टीबी वाले, कौन कौन से? रिफाम्पसिन, इथियोमाइड, ये दोनों जो टीबी के ड्रग है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ अदर एंटीबायोटिक जो फ्लोरोक्विनोल्स वगैरह है, ऑफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मिनोसाइक्लिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये इतनी ही दवाइयां हैं जो लेप्रोसी केस में इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा डैप्सोन इस्तेमाल होता है, उसके बाद ये आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। तो डैप्सोन की बात कर लेते हैं क्योंकि डैप्सोन से ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये लेप्रोस्टैटिक ड्रग है, यानी लेप्रोसी के इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकेगा। सल्फोनामाइड कैटेगरी का ड्रग है, तो इसलिए ये सल्फोनामाइड की तरह ही काम करता है। ये एसिटाइलेशन प्रोसेस के द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, काइनेटिक्स में ये जानना है। ये निमोसिस्टिक जीरोवेरसी इन्फेक्शन के केस में, एड्स पेशेंट के केस में और डर्मेटाइटिस हर्पी इन्फॉर्मिटिस के केस में इसका इस्तेमाल होता है। लेप्रोसी के अलावा इन इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होता है। जीआईटी इरिटेशन, मिथ हिमोग्लोबिनिया, हिमोलिसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिंड्रोम, ये इसके साइड इफेक्ट है। वहीं बात करें दूसरे ड्रग जिसका नाम है क्लोफाजिमिन, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज के साथ होती, खुजली उजली होती ना तो वो सही हो जाता है। ये डीएनए के साथ इंटरफेयर करता है, डीएनए मल्टीप्लीकेशन को रोकता है, रेप्लीकेशन को रोकता है, इस तरह से काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है, इसलिए इसको लेप्रा लेप्रोसी रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। बाकी कुछ साइड इफेक्ट जैसे पेट खराब होना, स्किन का डिस्कलरेशन होना, स्किन में एक्थोसिस होना, ये सब इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स। बाकी रिफाम्पसिन जैसे आपने वहां देखा था, ये लेप्रोसिडल ड्रग है, ये रेजिस्टेंट डैप्सोन का रेजिस्टेंट, अगर किसी व्यक्ति को रेजिस्टेंट डैप्सोन काम नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंट हो गया, तो उस केस में हम रिफाम्पसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ अदर ड्रग में एथियोनियामाइड है, ओफ्लॉक्सासिन है और मिनोसाइक्लिन एथियोमाइसिन, ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ये ओवरऑल एक बहुत कंप्लीट लेक्चर था, एक कंप्लीट पैकअप लेक्चर था जिसमें माइकोलिक बैक्टीरियम वाले। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर, जीपैड स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चन और वीडियो से।